दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी हमें किसी कैंडिडेट का वोट कार्ड अप्लाई करना होता है या उसमें कोई भी करेक्शन करानी होती है तो हम NVSP पोर्टल पे जाकर के उसको ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं और उसको करेक्शन भी वहीं पे कर लेते हैं। लेकिन सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब हम रिफ्रेश नंबर डाल करके उसको कंप्लीट प्रोसेस उसका हो जाता है, वो देख लेते हैं कि सक्सेस हो चुका है, उसके बाद भी हम उसको वोट कार्ड को वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। मेरे बहुत से वीएलई भाइयों को इस प्रोसेस के बारे में पता है, लेकिन बहुत से मेरे वीएलई भाई ऐसे हैं या कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको आगे के प्रोसेस के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नॉलेज नहीं है कि इसके बाद उनको क्या करना है। तो दोस्तों, कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से आपकी सारी समस्याएं जो है उनका समाधान हो पाए। तो दोस्तों, चलिए मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि आज मैंने वोटर हेल्पलाइन नंबर है उस पर बात करी और बात करने के बाद मैंने उनसे पूछा कि कैसे वोट कार्ड हम डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि परेशानी आमतौर पर सभी को रहती है कि वोट कार्ड अप्लाई कर दिया, उसमें करेक्शन करा दिया, और करेक्शन कराने के बाद अगर उसको डाउनलोड ना कर पाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मेरे वीएलई भाई ध्यान से देख लेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बगैर स्किप किए, क्योंकि स्किप करने के बाद आप जो है बहुत सारी जानकारियाँ अधूरी रह जाती हैं जिन जो आपको नहीं मिल पाती हैं। तो चलिए दोस्तों, रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना और एक एक जो रिकॉर्डिंग है इसके अंदर आपको जो पुराने वोट कार्ड हैं उनके बारे में भी और जो न्यू वोट कार्ड हैं उनके बारे में भी कैसे आपको डाउनलोड करना है। बहुत से मेरे वीएलई भाई हैं जो लगभग नवंबर और दिसंबर का जो वोट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेते हैं, वो डाउनलोड हो जाता है नवंबर और दिसंबर का। लेकिन नवंबर और दिसंबर 2020 से अलग, अगर आप 2021 और इससे अदर यानी कि 2020 में जो नवंबर से पहले के वोट कार्ड हैं तो वो डाउनलोड का कोई भी ऑप्शन वहां पे नहीं आता है। जो वोटिंग कार्ड अथॉरिटी है उनके द्वारा पहले भी बोल दिया गया था कि मार्च के बाद डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक कोई भी वोट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाता है। तो ये सभी मेरे वीएलई भाइयों को पता है, और जो नए कैंडिडेट जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी बता दो। और वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं उसके बाद पूरी जानकारी आपको नहीं लग पाती है। तो चलिए, पहले आप रिकॉर्डिंग सुनने को पूरी ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ आ पाएगी। तो चलिए सुन लेते हैं पूरी रिकॉर्डिंग जो मेरी कस्टमर केयर के साथ हुई है। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर हिंदी। वेलकम, नमस्कार, भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? शिल्पा जी, मैं हर से बात कर रहा हूँ मैम। तो मेरे को अपना जो वोटर आईडी कार्ड है वो डाउनलोड करना था। आपकी बेहतर जानकारी के लिए सर, पहले क्या मैं आपका फोन नंबर जान सकती हूँ, जिस फोन नंबर से अभी आप कॉल कर रहे हैं? 091। जानकारी देने से पहले विधानसभा क्षेत्र जान सकती हूँ? मैम, मेरा विधानसभा क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र, आपका नाम जान सकती हूँ? जीवन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपका कब का बना हुआ है वोटर आईडी कार्ड नंबर? मैम, मेरा लगभग हो गए हैं 10-12 साल के आसपास हो चुके हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, पुराने वोटर आईडी कार्ड जो है जीवन जी, अभी डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। हाँ जी, तो जिन्होंने नवम्बर, हाँ जी, हाँ जी, जी बताइए। जैसे मैम आप ये, मैं वैसे YouTube वगैरह पे भी देख चुका हूँ कि नवंबर दिसंबर में डाउनलोड कर पाएंगे आप। तो मैम, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे मेरे को अपना, मेरा वोटर आईडी जो कार्ड है वो गुम हो गया है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, मैं कैसे उसको दोबारा मतलब ले पाऊंगा, या कैसे उसका? आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है आपका? हाँ जी, है मैम जी। तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे आपको सही लगे, आपको फॉर्म 001 अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को कहाँ पे जाना पड़ेगा, कौन से डिपार्टमेंट में? आपको ऑनलाइन प्रोसेस बता देती हूँ। हाँ जी, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन के लिए आपको हमारे वेबसाइट www.nvsp.in पे विजिट करना है। ठीक है मैम। विजिट करने के बाद रजिस्टर लॉगिन करना है। ठीक है मैम। लॉगिन रजिस्टर कर देने के बाद आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। होम पेज पे आपको एक फॉर्म का ऑप्शन आएगा जीवन जी, फॉर्म वाले ऑप्शन में जाके फॉर्म 001 अप्लाई करेंगे। ठीक है मैम। तो उसमें क्या सबमिट करने के, उसमें क्या डिटेल रहेगी बता रही हूँ सर। सारी डिटेल आपको उसमें, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, बस अपनी जो डिटेल है वो आपकी ऑटो फिल ही आएगी। ठीक है मैम। सारी डिटेल आपकी, तो आपको खड़ी जो है आप क्यों इसको अप्लाई कर रहे हैं वो रीजन लिखना है। ठीक है मैम। और आप जो है अपना कार्ड कैसे प्राप्त करना चाहते हैं वो रीजन लिख के, आज की डेट लिख के, प्लेस लिख के, और सबमिट करना है डिटेल। ठीक है मैम। सारी डिटेल आपकी ऑटो फिल आएगी, बिकॉज आप ऑलरेडी, आपका वोटर लिस्ट में नाम है। ठीक है मैम। ठीक है मैम। मैं आपको बताना चाहूंगी, आप फॉर्म सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी। आप ट्रैकिंग आईडी देके अपने तहसील ऑफिस जाके ₹25 की पेमेंट करवा दीजिएगा। ठीक है मैम। ₹25 की जो पेमेंट होगी वो प्रिंटिंग का चार्ज होता है। हाँ जी।
45 से 50 वर्किंग डेज के अंदर आपका कार्ड पूरा प्रोसेस होकर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है मैम। तो सॉरी मैम, जैसे कि मतलब मेरे को तहसील में जाना पड़ेगा उसके लिए, या मेरे घर पे जैसे आप कह रहे हो ट्रैक करूंगा तो मेरे घर पे नहीं आएगा वो कार्ड? तो घर पे आ जाएगा, बट अमाउंट जो पे होता है प्रिंटिंग का चार्ज जो पे होता है। हाँ जी, तो मतलब उसके लिए अलग से प्रोसेस आप बता रहे हो, ये मेरे को जाके पे करना है तहसील के अंदर? जी, वो आपको तहसील में जाके ही पे करना है। तो मैम जो तहसील में है वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे को क्या पूछना पड़ेगा वहाँ पे, कहाँ पे होगा ये? क्योंकि वहाँ पे तो नहीं बताना है, वहाँ पे ERO ऑफिस आपको जो है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन डिपार्टमेंट में जाना है। ठीक है, वहाँ पे हेड होते हैं, उसको ERO बोला जाता है। ठीक है मैम, ERO को पेमेंट करवाइएगा 25 रुपीज। ठीक है मैम। तो उसके बाद मतलब ये ट्रैक करने के बाद जैसे ही वो घर पे आ जाएगा, ये पेमेंट करने के बाद आएगा मेरा, जब मैं पेमेंट वहाँ पे कर दूंगा तो ये स्टेटस वहाँ पे अपने आप जो है क्लियर हो जाएगा। जी, तो ठीक है मैम। और जो नवंबर दिसंबर में है, जैसे कि मेरी वाइफ है उनका जो बना था, तो वो मैं अगर डाउनलोड करना चाहूँ तो वो कैसे डाउनलोड होगा? अगर उनका फोन नंबर यूनिक है। हाँ जी, मतलब एक वोटर आईडी कार्ड में एक ही फोन नंबर अपडेटेड है उनका। हाँ जी, तो अब वो अगर नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 को ही बना है और उसी महीने उनका अपडेट हुआ है वोटर आईडी कार्ड नंबर, हाँ जी, तो वो डाउनलोड कर पाएंगे NVSP में लॉगिन रजिस्टर करके। ठीक है, ऑप्शन आता है EPIC डाउनलोड उसके थ्रू। ठीक है मैम। तो एक और मैम, जैसे कि किसी का मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है किसी भी, मतलब जैसे कि मेरी वाइफ का नहीं है, तो मैं उसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या कैसे उसको रजिस्टर कर पाऊंगा अपने वोटर कार्ड? नहीं कर पाएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोसेस। तो मैम जैसे अभी अपडेट अभी जो है वोटर आईडी कार्ड में फोन नंबर अपडेट करने का प्रोसीजर शुरू नहीं हुआ है। तो शुरू ही नहीं हुआ ना, जैसे कि वहाँ पे जाता हूँ मैं कई बार, मैंने वो खोल के देखी है साइट पे और वहाँ पे रजिस्टर्ड लिख के आता है, तो वो क्या है वहाँ पे? सिर्फ ऑनलाइन ही रजिस्टर्ड होता है उस, मतलब वोटर कार्ड के साथ लिंक नहीं जो होता? आप NVSP रजिस्टर्ड जो आप चेक करते हैं ना NVSP में लॉगिन रजिस्टर्ड, हाँ जी, वो खाली आपका NVSP ओपन करने के लिए है। मतलब वो मैं पोर्टल पे जाकर के वो देख सकता हूँ बस, और वहाँ से डाउनलोड वगैरह जो OTP वगैरह का जो फंक्शन है वो काम नहीं करेगा उस चीज के अंदर, यही है ना मैम? मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें लॉग इन करने के लिए अपना फोन नंबर एंटर करते हैं, अपनी हाँ, डिटेल एंटर करते हैं, हाँ, वैसे ही NVSP में एंटर करने के लिए फोन नंबर, मेल आईडी वगैरह मांगी जाती है। तो मतलब आपके वोटर आईडी कार्ड में फोन नंबर लिंक नहीं होता है और ना उसको डाउनलोड वगैरह जो एक्स्ट्रा जो है वो हम यूज नहीं कर पाएंगे इस चीज को? नहीं, अभी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, खाली डिटेल चेक कर सकते हैं, या कोई फॉर्म अप्लाई करना है तो कोई फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा मैम, सॉरी मैं एक चीज और पूछूंगा मैम, जैसे कि मैंने ये रजिस्टर लॉगिन कर लिया मैंने पोर्टल पे जाकर के, जैसे आप बता रहे हो बाय नेम अपना मेरा वहाँ पे शो हो गया, सब कुछ डिटेल आ गई वहाँ पे, तो आने वाले इन फ्यूचर क्या मेरा जो मोबाइल नंबर जिससे मैं लॉगिन कर रहा हूँ क्या वो नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा ऑटो, या फिर मेरे को कुछ अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा? नहीं सर, आपको अलग से EKYC का ऑप्शन आएगा, उस पे जाके आपको जो है अपना फोन नंबर अपडेट करना पड़ेगा बायोमेट्रिक करने के लिए। तो आपने मेरे को क्लियर कर ही दिया कि अभी तक EKYC का कोई मोबाइल नंबर अपडेशन का कोई वहाँ पे नहीं कोई ऑप्शन है नहीं, शुरू है प्रोसेस। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई और जानकारी जानना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू मैम, बहुत बहुत अच्छी जानकारी। क्या आप मेरे दिए गए जानकारी से संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैम। मैं आपको बताना चाहूंगी किसी भी प्रकार की जानकारी शिकायत के लिए आप हमारे वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय संपर्क केंद्र में कॉल करने का धन्यवाद आपका। ओके, तो दोस्तों ये थी रिकॉर्डिंग जो मैंने आज जो कस्टमर केयर थे जो वोट कार्ड पे तो उनके साथ बात हुई, वो पूरी बात आपने सुनी ध्यान से। तो अभी जो हमारे सामने सवाल खड़ा होता है कि हम जो वोट कार्ड की अगर पेमेंट करने अपने सेंटर को छोड़ के वहां पे जाएं तो बहुत ज्यादा टाइम हमको लगता है और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हर रोज वहां पे जाएं और हर रोज पेमेंट करा के आएं, क्योंकि किसी किसी वैली भाई से इतनी दूर है कि वो नहीं कर पाता है और कैंडिडेट भी मेरा परेशान रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको पेमेंट ऑनलाइन जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कैसे आपको पे करनी है, फीस पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो देखना होगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाकर के पूरी पेमेंट आराम से अपने घर पे बैठ के पे कर सकते हैं, उसके बाद अपना वोट कार्ड जो है वो आराम से आपके घर पे आ जाएगा लगभग 10 दिन या 15 दिन के अंदर, उसके बाद अपना वोट कार्ड ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।